नमस्कार साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मां खोपड़ी। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो कि भानु प्रतापपुर से है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने पत्र जारी कर दिया है जहां सावित्री मंडावी कांग्रेस से प्रत्याशी होगी। सावित्री मंडावी स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी की धर्म पत्नी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हृदयघात से मनोज मंडावी का निधन हो गया था, जहां पर विधानसभा उपाध्यक्ष भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी मनोज मंडावी रह चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं भानु प्रतापपुर से, जहां पर बड़ा अपडेट इसे माना जा सकता है, जहां भानु प्रतापपुर चुनाव में कांग्रेस ने पत्र जारी कर दिया और ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवार साफ हो गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से ब्रह्मानंद नेताम को प्रत्याशी बनाया गया है, तो वहीं अब कांग्रेस ने भी अपना दांव खेलते हुए सावित्री मंडावी को उपचुनाव में खड़ा करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में देखा जाए तो सावित्री मंडावी स्वर्गीय मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है और बड़ा दांव माना जा सकता है कांग्रेस का, क्योंकि सावित्री मंडावी की छवि काफी अच्छी है। ऐसे में बीजेपी के पास में ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहेगा जिसको लेकर वो सावित्री मंडावी की छवि को धूमिल कर सके। तो ऐसे में बड़ा दांव खेला है कांग्रेस ने, जहां इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आपको सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर दे रहे हैं, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से सावित्री मंडावी को प्रत्याशी बनाया गया है। ऐसे में देखा जाए तो चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया गया है। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही अपने अपने तरीके से लगातार कोशिश कर रही है चुनाव जीतने की, क्योंकि देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाला है और ये जो उपचुनाव है इसे सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस सेमीफाइनल में कौन बाजी मारता है, क्या कांग्रेस मारती है या फिर बीजेपी मारती है। तो बड़ी खबर आपको भानु प्रतापपुर से बता रहे हैं, जहां भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने पत्र जारी करते हुए बड़ा ऐलान किया है, जहां सावित्री मंडावी अब कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में प्रत्याशी रहेगी। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का, जहां से हमारी सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी हमारे साथ में लाइव जुड़ गई है। आकांक्षा, लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कांग्रेस की ओर से कौन उम्मीदवार होगा, अब इसका चेहरा भी साफ हो गया है। बिल्कुल, देखिए भानु प्रतापपुर उपचुनाव अनुपमा, और इस उपचुनाव के लिए अब तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनकी रणनीतियां, उनके प्रत्याशी स्पष्ट हो चुके हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार था, तो अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलते हुए सावित्री मंडावी को टिकट दे दिया है। हालांकि पहले ही कयास लगाए जा रहे थे और साधना ने उसने पहले ही अपने दर्शकों को इसकी जानकारी दी थी कि लगभग सावित्री मंडावी को टिकट मिलना तय है। दो प्रमुख संकेत भी सावित्री मंडावी को लेकर के लगातार मिलते नजर आ रहे थे। पहला संकेत तो तभी मिल चुका था जब उन्होंने अपने शासकीय कार्य से इस्तीफा दिया था। पहले ही दिन उन्होंने जब उन्हें जानकारी मिली कि हो सकता है वो चुनाव लड़े, तो ऐसे में उन्होंने पहले ही तैयारी ये कर ली थी कि अपने शासकीय कार्य से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दूसरा संकेत कल जब ये मिला कि उन्होंने नामांकन फॉर्म भी खरीद दिया है, तो जाहिर सी बात है एक इशारा जरूर कांग्रेस की ओर से उन्हें मिला रहा होगा। और बहरहाल अब प्रत्याशी का नाम केंद्रीय चुनाव समिति कांग्रेस की ओर से तय कर दिया गया है। सावित्री मंडावी ही उस क्षेत्र की प्रत्याशी होगी। हालांकि राजनीतिक बैकग्राउंड सावित्री मंडावी का कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन जो पूर्व में उस क्षेत्र से विधायक रहे यानी कि मनोज मंडावी, उनकी ये धर्म पत्नी है और ऐसे में उन्हें टिकट दिया जाना जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये भी होगा, एक सहानुभूति वाला जो एक वोट हम जिसे कहेंगे वो कांग्रेस बटोरने में कामयाब हो सकती है, अब इसे कहा जा सकता है। दूसरी ओर भाजपा का जिक्र कर ले तो ब्रह्मानंद नेताम कांग्रेस भाजपा की ओर से प्रत्याशी चुने गए हैं। अब दोनों ही दलों के प्रत्याशी का नाम सामने आ चुका है, जाहिर सी बात है दोनों ही दलों में कड़ा मुकाबला आगामी समय में देखने को मिलेगा। आरक्षण का प्रमुख मुद्दा गूंजता हुआ नजर आ सकेगा ये भी कहा जा सकता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि स्थानीय तौर पर उस क्षेत्र में होंगे उसे भी भाजपा और कांग्रेस की ओर से उठाने की कोशिश होगी। बहरहाल दोनों ही प्रत्याशी अब आमने सामने नजर आ सकेंगे। जी आकांक्षा, चूंकि अब चेहरे साफ हो गए हैं बीजेपी और कांग्रेस की, ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर भारी पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए कौन किस पर भारी पड़ेगा ये कहना अभी से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए भी स्पष्ट नहीं कह सकते हम, क्योंकि दोनों ही ओर से अपनी अपनी जो तैयारियां हैं दोनों दलों ने तेज भी कर दी है। कांग्रेस का हम लगातार जिक्र कर रहे थे, वो सीट इस वक्त कांग्रेस के ही खाते में थी। इसके पूर्व जिनका निधन हुआ, मनोज मंडावी विधानसभा छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, इसके अलावा
क्षेत्र से विधायक, अब उनकी धर्म पत्नी को टिकट दिया गया है। जाहिर सी बात है, जो कि हम जिक्र कर रहे हैं कि एक सहानुभूति वाला वो यहाँ पे बटोरता हुआ कांग्रेस नजर आ सकेगा। इसके अलावा आरक्षण का मुद्दा दोनों ही दल की ओर से उठाने की कोशिश और इसे भुनाने की भी कोशिश होगी इस उपचुनाव में, क्योंकि भाजपा की ये तैयारी है। हमने आरक्षण को 32% बढ़ा करके किया था, इस मुद्दे को भाजपा कहीं ना कहीं प्रयास करेगी कि वे भुना सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की, अब हम विशेष सत्र लागू करके आरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आरक्षण जो कि कटौती हो चुकी है इसे बहाल करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये बताने की कोशिश कांग्रेस की ओर से होगी। तो जाहिर सी बात है, इन मुद्दों को लेकर के दोनों ही दल में एक घमासान अब वर्तमान में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन स्थितियां और मत के जब पत्र खुलेंगे, यानी कि हम कहें 8 दिसंबर जिस दिन मतगणना होगी, क्योंकि 5 को देखिए मतदान होना है, 8 को मतगणना होगी, तो वो मतगणना के जो रिजल्ट आ पाएंगे वो ही बता सकेंगे कि आखिर कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ा। जी, उसका तो हर कोई बेसब्री से इंतजार करेगा, आकांक्षा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने जिक्र किया कि सावित्री मंडावी राजनीति के जो इतिहास है उसमें काफी नई मानी जा रही है, ऐसे में अगर ब्रह्मानंद नेताम की बात कर ली जाए तो उनका इतिहास काफी अच्छा रहा है, तो क्या ऐसे में वाकई लगता है कि सावित्री मंडावी ब्रह्मानंद नेताम को टक्कर दे पाएगी? देखिए, दो पक्ष जैसा कि मैंने रखा सावित्री मंडावी का, खासतौर पर कोई खास बैकग्राउंड राजनीति से उनका जुड़ाव नहीं रहा है। शासकीय कार्य में वे रही थी, लेकिन पति का सहयोग, पति के कार्य को उन्होंने उस क्षेत्र में देखा है, जाहिर सी बात है उन कार्यों को लेकर के भी चलती नजर आएगी। दूसरी ओर ब्रह्मानंद नेताम का आप जिक्र कर रहे हैं, 2008 में भाजपा से भानुप्रतापपुर क्षेत्र से वे विधायक भी रहे हैं, वह दौर था जब मनोज मंडावी को उन्होंने शिकस्त भी दी थी, तो जाहिर सी बात है एक पकड़ उस क्षेत्र में इस वक्त भाजपा की जरूर नजर आ रही है। लेकिन दोनों ही दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियां भी यहां पे तेज कर दी गई है। भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि अब अपने प्रत्याशी को जीत दिला सके, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है, ये जो उपचुनाव है, वो इस वक्त छत्तीसगढ़ के लिए एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। 2023 का चुनाव है और उससे पूर्व होने वाले ये उपचुनाव ये दर्शाएंगे कि कौन सी पार्टी कितने पानी में है। अब ये जरूर स्पष्ट हो पाएगा आगामी रिजल्ट के दौरान कि आखिर कौन सा दल कितने पानी में है। बहरहाल जिन तैयारियों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ही दलों की ओर से अब तैयारियां लगभग पूर्ण करती हुई नजर आ रही है। जी जी, आकांक्षा, सबसे पहले अगर अब मुद्दे की बात कर ली जाए तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि उसके पास में आदिवासी आरक्षण को लेकर एक बड़ा मुद्दा होगा, तो क्या इस बार सिर्फ उपचुनाव में आदिवासी आरक्षण का जो मुद्दा है वही गूंजने वाला है या अन्य जो मूलभूत सुविधाएं है उसको लेकर भी ये मुद्दा गूंजेगा? बिल्कुल अनुपमा, देखिए जो छत्तीसगढ़ ये जो क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का भानु प्रतापपुर क्षेत्र, ये एसटी रिजर्व क्षेत्र है, एसटी वर्ग को आरक्षित ये सीट भी है। ऐसे में वो जो क्षेत्र है, ये जाहिर सी बात है उस विषय को लेकर के अभी भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। आरक्षण का मुद्दा मूल रूप से उस क्षेत्र में इसलिए भी गर्माया हुआ है क्योंकि आदिवासी वर्ग, आदिवासी समुदाय के तमाम जो नेतागण हैं, तमाम जो उस क्षेत्र के निवासीगण हैं, उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि इस बार आरक्षण कटौती के विरोध में उपचुनाव में हर एक गांव से एक प्रत्याशी आदिवासी समाज से खड़ा किया जाएगा। ये एक बड़ी चुनौती न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि जो राजनीतिक दल है इसके अलावा निर्वाचन जो अधिकारी है, निर्वाचन विभाग है, उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती ये कही जा सकती है। बहरहाल आरक्षण एक मुद्दा उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि आदिवासी वर्ग लगातार आरक्षण कटौती का विरोध करते हुए इस पे मांग कर रहे हैं। भाजपा अपनी ओर से दलीलें पेश कर रहा है कि हमने तमाम कोशिशें की और 20% आरक्षण को बढ़ा करके हमने 32% किया। दूसरी ओर अब आरक्षण में कटौती हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस सरकार इस वक्त प्रयास कर रही है कि कैसे आरक्षण की बहाली की जाए, तो ये मुद्दा कांग्रेस उठाते नजर आ सकेगी उस क्षेत्र में कि हमने कोशिश की, हमने आरक्षण को बहाल करने के लिए विशेष सत्र आमंत्रित किया है। इतना ही नहीं, हम लागू भी इसे कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब शासकीय संकल्प लाया जाएगा सरकार की ओर से तो आरक्षण की बहाली भी होगी। तो अब ये मुद्दा उस क्षेत्र में काफी गर्माएगा आरक्षण का मसला, क्योंकि पहले से ही प्रदेश में इसे लेकर के राजनीतिक हम देख रहे हैं, राजनीतिक बयानबाजियां हम देख रहे हैं। बहरहाल अब ये जरूर देखना होगा कि आरक्षण के अलावा जो अन्य स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे नक्सलवाद को लेकर के जुड़े हुए मसले हों, उस क्षेत्र में विकास के मसले हो, क्या ये पिछड़ते हैं या केवल आरक्षण ही हावी होता है? जी,
अगर आरक्षण की बात कर ली जाए आकांक्षा, तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि उपचुनाव में ये बड़ा मुद्दा हमारी ओर से होगा, क्योंकि भानुप्रतापपुर में आदिवासी क्षेत्र भी माना जाता है। ऐसे में क्या कांग्रेस अपने जो फैसला किया है आरक्षण को लेकर उसमें बदलाव कर सकती है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त राज्य सरकार की ओर से आरक्षण को लेकर के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने पहले जिक्र किया, दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, 1 और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाया गया है आरक्षण के मसले पर, या आरक्षण बहाली के मसले पर। तमाम विषयों पर चर्चा होगी विधानसभा में, और जाहिर सी बात है जैसा कि रणनीतियां यहाँ पे बनाई गई है, शासकीय संकल्प लाया जाएगा और शासकीय संकल्प ला करके इसे पारित करने की कोशिश होगी सर्वसम्मति से। तो ये बात अब स्पष्ट है कि आरक्षण बहाली की ओर राज्य सरकार का जो कदम है वो कदम इस वक्त साकार होता हुआ नजर आएगा। आदिवासी वर्ग जिस प्रकार से मांग कर रहा है आरक्षण बहाली को लेकर के, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब ये जो एक पक्ष है, क्योंकि देखिए एक मांग हो रही है आरक्षण बहाल किया जाए, सरकार यदि मांगे मान लेती है तो जाहिर सी बात है जो वर्ग है वो सरकार के पक्ष में यानी कि कांग्रेस के पक्ष में होता हुआ नजर आ सकेगा। तो इसका एक बड़ा फायदा इस वक्त कांग्रेस को जरूर मिलता हुआ नजर आ सकेगा। रूपमा, बहरहाल इन मुद्दों का कितना फायदा उठा पाते हैं राजनीतिक दल, कौन किसे बेहतर तरीके से किन मुद्दों को भुना सकता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, ऐसे में देखा जाए तो तमाम ऐसे मुद्दे जो कि उपचुनाव में सामने आने वाले हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से। आकांक्षा, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ में अर्जुन पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अर्जुन, मैं आपका रुख करूंगी, जैसा कि देखा जाए कि अब चेहरे साफ हो गए बीजेपी और कांग्रेस के, ऐसे में किसकी कितनी तैयारी और कौन किस पर भारी पड़ेगा? जी अनुपमा, बता दो जिस तरह से वहां पर तैयारियां चल रही हैं, और इन तैयारियों के बीच में बता दो जो एक क्षेत्रीय बहुत बड़ा मुद्दा आरक्षण का बता रही थी, उस मुद्दे को भी जो है भूला नहीं जा सकता है। अभी सर्व समाज के द्वारा जो है लगभग 36 लोगों के जो है नामांकन के लिए वो फॉर्म खरीदे जा चुके हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आगे जो ये चुनाव है, जब इस तरह से जो है नामांकन के लिए पत्र खरीदे जाते हैं जा रहे हैं, और 400 लगभग 400 उम्मीदवार जो है उन्होंने कहे थे हर क्षेत्र से हम उतारेंगे, ये भी अगर कहें तो इसको जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्षेत्र की जो जनता है, जिस तरह से जो है मनोज मंडावी साहब के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, आज भी जो है कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता का रुझान उनके साथ में जो है दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पे कोई उम्मीदवार उतारा नहीं गया है, और देखने वाली ये बात है कि जो ब्रह्मानंद नेताम जी हैं उनका भी एक वर्चस्व दिखाई दे रहा था क्षेत्र में, उनकी भी तैयारियां जोर शोर पर हैं। लेकिन इस चीज को भुलाया नहीं जा सकता है कि जो एक लोगों का रुझान है वो अभी भी उन जो है मनोज मंडावी साहब के कारण जो है जो उनको ही जो है उनके परिवार के ही लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस ने एक बड़ा दाव खेला है सावित्री मंडावी को खड़ा करके। अगर हम बात करें नामांकन की अर्जुन, तो 17 तारीख यानी कि कल से नामांकन भरा जाएगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है नामांकन को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया कि जोरों शोरों के साथ में नामांकन किया जाएगा। जी बिल्कुल अनुपमा, बता दूं कि जिस तरह से जो है क्षेत्र की जनता, और अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करूं तो अभी भी ये स्थिति जो है यहाँ दिखाई देती है कि दो पक्षों में जो होती है वो चुनावी कहें तो जंग इन्हीं दो पक्षों में जो है होती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बस्तर के क्षेत्रों में जिस तरह से आजकल CPI ने भी जो है कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दिखाना चालू कर दिया है, तो इन वर्चस्व को लेकर के ये जरूर कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है उसकी जो अन्य जो उनके वोटर हैं कटेंगे। लेकिन भानु प्रतापपुर में जिस तरह से अभी भी मैं बता दूं कि क्षेत्र की जनता का जो समर्थन है वो मुझे जो है मनोज मंडावी साहब के परिवार के साथ में जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी बिल्कुल, ये तो 8 तारीख के बाद साफ हो पाएगा, फिलहाल कयास तो कई सारे लगाए जा रहे हैं। अर्जुन, आकांक्षा, मैं आपका रुख करूंगी, जैसा कि देखा जाए तो अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उनका भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां मोहन मरकाम ने कहा कि भानु प्रतापपुर कांग्रेस की सीट परंपरागत सीट रही है, ऐसे में कांग्रेस प्रचंड जीत के साथ में एक बड़ी जीत हासिल करने वाली है। तो अगर दावों की बात करी जाए तो कांग्रेस की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी पूरी तरीके से बोल रही है कि जीत हमारी होगी। ऐसे में क्या समझा जाए कि इस उपचुनाव में जीत आखिर किसकी होगी, कांग्रेस या बीजेपी, क्योंकि दोनों के ही दाव अगर देखा जाए तो सही तरीके से बैठ रहे हैं। देखिए दोनों ही दलों की ओर से अपने अपने जो दावेदारी है और अपने अपने जो दावे हैं वो इस वक्त जरूर देखने को मिल रहे हैं। उपचुनाव यानी कि जाहिर सी बात है सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल के लिए दोनों ही दल अपनी अपनी ओर से जहां एक ओर तैयारी कर रही हैं,
तो दूसरी ओर बयानबाजी और कटाक्ष के माध्यम से ये दावा करते नजर आ रही है कि उनकी जीत होगी, उनके मुद्दे कारगर होंगे। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि आखिर किसका मुद्दा, किसकी पैठ उस क्षेत्र में बैठती है, क्योंकि देखिए कांग्रेस का दावा हम लगातार गिना रहे हैं कि कैसे वे विकास कार्यों को उस क्षेत्र में लेकर के जाएंगे। जाहिर सी बात है भानुप्रतापपुर क्षेत्र कई अहम मसले, कई अहम मुद्दे उस क्षेत्र में हैं, विकास को लेकर के हो, मूलभूत आवश्यकता को लेकर के हो, या फिर हम जैसा कि लगातार जिक्र कर रहे हैं आरक्षण को लेकर के हो, तो इसे कांग्रेस कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश में रहेगी। दूसरी ओर भाजपा राज्य सरकार की विफलताओं को उस क्षेत्र में गिनाने की उनके द्वारा कोशिश की जाएगी। और अब तक की जो उस क्षेत्र की रणनीति है, उस क्षेत्र की जो राजनीतिक क्रम रहा है जीत का, तो ये जीत के एक आंकड़े ये भी है अनुपमा कि अब तक में कांग्रेस उस क्षेत्र में 5 बार चुनाव जीती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा का जो कब्जा है वो 4 बार रहा है। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का पलड़ा इस टाइम कहीं ना कहीं भाजपा के मुकाबले उस क्षेत्र में जरूर भारी है जीत को लेकर के। बहरहाल अब इस पलड़े को क्या भाजपा बराबर कर पाती है या जीत का एक आंकड़ा और कांग्रेस के पक्ष में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी जी आकांक्षा, अगर अब तक के उपचुनाव की बात की जाए तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद में उपचुनाव में लगातार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, चाहे नगर निगम की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें या फिर उपचुनाव की बात करें, तो कांग्रेस की एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस उपचुनाव में भी कांग्रेस एक बार फिर से कमाल कर दिखाई दे? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है ये कहा भी जाता है और आपको भी जानकारी है होगी अनुपमा कि जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में जिसकी सरकार होती है, यदि वहां उपचुनाव कराए जाते हैं तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष ही खास तौर पर उसमें जीत दर्ज करता है, अव्वल रहता है। जाहिर सी बात है इस क्षेत्र का भी हम जिक्र कर लेते हैं क्योंकि अब तक से प्रदेश में 4 उपचुनाव हो चुके हैं और चारों उपचुनाव में भाजपा यहाँ पे पिछड़ती हुई नजर आई, कांग्रेस का दबदबा उन सभी क्षेत्रों में जरूर नजर आया। और इस वक्त फिर से एक उपचुनाव जो कि छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर उप क्षेत्र में होने जा रहा है, जाहिर सी बात है कांग्रेस की यहाँ पे भी हम कहेंगे कि कांग्रेस की ओर से यहाँ पे भी पलड़ा उनका कहीं ना कहीं भारी नजर आया है। अब ये जरूर देखने वाली बात होगी कि सेमीफाइनल की तैयारियां और सेमीफाइनल की तैयारियों के साथ क्या भाजपा अपने आप को पृष्ठभूमि में अव्वल दर्जे पर ला पाती है, या फिर उसी प्रकार से जैसे अन्य उपचुनाव में भाजपा को एक शिकस्त मिली है उसी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है उन्हें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं तो वो अपनी इस पारंपरिक सीट को बचा पाती है या नहीं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि दावे तो तमाम कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अगर बात कर ली जाए आकांक्षा, तो काफी खास हो जाता है ये उपचुनाव क्योंकि 2023 में चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं इसे सेमीफाइनल की तरह ले रही है और कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर मानी जा रही है कांग्रेस और बीजेपी की। बहरहाल ये तो 8 तारीख के बाद साफ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए आकांक्षा। साथ ही अर्जुन, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगी जिस प्रकार से आपने हमें जानकारी दी। तो भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने अब पत्र जारी कर दिया है जहां सावित्री मंडावी कांग्रेस से प्रत्याशी होगी। बता दें कि सावित्री मंडावी स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी की धर्मपत्नी है। ऐसे में अगर दोनों की ही राजनीतिक करियर की बात कर ली जाए तो सावित्री मंडावी के लिए राजनीतिक करियर अभी नया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सावित्री मंडावी किस प्रकार से कमाल कर पाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम ब्रह्मानंद नेताम की बात कर ली जाए तो उनकी एक अच्छी पकड़ है क्योंकि 2008 में इन्होंने भानुप्रतापपुर में जीत हासिल की थी, उसके साथ ही साथ स्वर्गीय मनोज मंडावी को भी हराया था। तो ऐसे में एक बड़ी पकड़ इनकी मानी जाती है आदिवासी क्षेत्र में। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कांग्रेस किसकी कितनी तैयारी और कौन पड़ेगा किस पे भारी, ये 8 तारीख को साफ पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साथ ना न्यूज़। नमस्कार।